नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज। उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार का जिम्मेदार गांधी परिवार नहीं बल्कि हर एक सांसद और राज्यों के नेता है, यह कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव में मिली हार का दोषी गांधी परिवार को बताने से साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि हमने उन पर फिर से भरोसा जताया, इस्तीफे के पेशकश का सवाल ही नहीं उठता है। नेता ने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी और उसकी विचारधारा से लड़ेंगे, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अगले चुनाव में हम पहले से काफी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार को शुरू हुआ है। पार्लियामेंट में विपक्ष के रवैये पर खड़गे ने कहा, हमारी रणनीति है कि हम इस चर्चा में भाग लेंगे और जनता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाएंगे, विशेष रूप से छात्र जो यूक्रेन में फंसे थे उनकी समस्याओं को कैसे दूर किया जाना चाहिए, महंगाई, बेरोजगारी, ये सभी समस्याएं हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण ऐसे समय में आरंभ हुआ है जब कुछ ही दिनों पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सी लॉर्ड न्यूज के साथ। धन्यवाद।